ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की साकार मधुर मुरली हैं। 20 अक्टूबर 2023 आज की मुरली के सार में बाबा ने कहा कि देह सहित सब कुछ भूल, अपने को आत्मा समझ, अपने बाप को याद करो। यह जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं वह सब इस जन्म में चुकतु करना है। इसलिए सबसे बुद्धि योग निकाल, एक बाप से बुद्धि योग लगाना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। फिर कहा, अभी तुम बाप द्वारा ज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है और नष्टो मोहा है। फिर कहा कि तुम सभी आत्माओं की सच्ची सच्ची सगाई अभी परमात्मा साजन के साथ हुई है, तो पारलौकिक साजन को याद करना है, एक बाबा से सर्व संबंध रखने हैं, पक्के मातेले बच्चे बनना है। फिर कहा कि बाप सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं, तो माताओं कन्याओं को सर्विस के लिए सदैव तैयार रहना है। पुरुष मदद करने के लिए तैयार है, बाप डायरेक्शन देते हैं। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है। और लास्ट में कहा कि मुरलीधर के बच्चे मुरलीधर बनना है। कई बच्चे समझते हैं आज हमने बहुत अच्छी मुरली चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए, तुमको तो बाप सिखलाते हैं जो तुम सुनाते हो। और साथ में कहा, यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को देते हैं, बाबा कहे तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएंगे। तुम जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल, एक बाप को याद करो। तब कहेंगे मातेले बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। आज मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सोतेले कहा जाता है। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आपे ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है, और पुरानी दुनिया जिसको रौ रौ नर्क कहा जाता है उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है ही। रौ रौ नर्क को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। बाबा जीते जी मरने का भावार्थ बता रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम हो जाना है, अपने को आत्मा समझ, अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं वह सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, सारे कल्प का जो हिसाब किताब है वह अभी ही चुकतु करना है। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह छीछी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह साहूकार समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी हैं। यूं तो सारा भारत गरीब है। बाबा कहते हैं, वास्तव में समय अनुसार सारा भारत गरीब कहेंगे, फिर उनमें भी जो गरीब हैं वह जट उठाते हैं, उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल उठ सकते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाप है ही गरीब निवास,
जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भगत भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान उन बच्चों की ही बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि विशाल भी है और नष्टो मोहा है। जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि है, वह ऊंच पद नहीं पा सकते। पद वह पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचानने बिगर वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता। जाने पहचाने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं, फलाना का बच्चा है, यह ऑक्यूपेशन है, आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे, तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं, तो सगाई कैसे हो? नंबरवार है, कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते, तो गोया कच्ची सगाई है। उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े, अपने साजन को पहचानते ही नहीं। जैसे पारा हथेली पर उठता ही नहीं है ना, अर्थात मरकरी हाथ में नहीं रहता है, फिसल जाता है, वैसे ही बाबा की याद ही इतना मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 20-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म लिए महाराजा महारानी बनाने वाला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। आत्मा सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के संबंधों में भटकती रहती है, समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूँ। संबंध तो चाहिए एक परमात्मा का, बाकी सब बंधन है। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, वहाँ सतयुग में है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतो में, फिर सतो से गिरकर रजो में आना है। जब सतो पूरा होता है तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है, द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है, फिर भक्ति भी रजो तमो में आती है, व्यभिचारी होने से भक्ति भी गिरती जाती है। बाबा आत्मा की अवस्था बता रहे हैं, फिर आत्मा की अवस्था के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। अब यह ज्ञान जानना और किसी को समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरो नरक से संबंध तोड़ एक बाप से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है, बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे, माताएं भी थोड़ी रही, हाँ कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर, देवी आदि। बाबा यज्ञ के शुरुआत की बात बता रहे हैं। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहाँ पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए, समझाना चाहिए। तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा तो होता नहीं। फायदा तो एक बाप से ही होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिगर वर्षा कैसे मिलेगा?
बाप का वर्षा है, मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे जाकर बहुत युक्ति से समझाना है, यह अक्षर सुनाते ही बाप हैं, तुम बच्चों को याद रखना चाहिए, और कोई चीज़ से फायदा नहीं, बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। भल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मुंझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल, यह तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए, पुरुष मदद करने लिए तैयार हैं, डायरेक्शन बाप देते हैं, करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। जो वर्तमान समय मुर्मूजीवी बाबा की कितनी सेवा कर रहे हैं, एक तरफ है वह माताएं, एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं, उन्हों की उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं, तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो, साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं, ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में भी करे तो दुख काहे को होए, सुख में क्यों याद करेंगे। बाबा कहते हैं सुख में क्यों याद करेंगे, अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। मात पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है, मौत जब नज़दीक आएंगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। बाबा कहते हैं अंत में सभी आत्माओं को अपनी स्थिति का साक्षात्कार बाबा जरूर कराएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं, अपना अहंकार नहीं होना चाहिए, तुमको तो बाप सिखलाते हैं जो तुम सुनाते हो। अर्थात बाबा कहते हैं कभी यह अहंकार नहीं आना चाहिए, अंदर में रहना चाहिए कि बाबा जो हमको सिखलाते हैं वह हम दूसरों को सिखलाते हैं। बाप न होता तो तुम्हारी मुरली का है कि मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल कुछ न कुछ फायदा हो जाता है, कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है, इतना समय पढ़ाई की तो आपे ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए, खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते। अर्थात बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे हैं तो दूसरों को बाबा का परिचय जरूर देना है, पद की प्राप्ति सर्विस के आधार से होंगी। ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है, बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं। बाबा तो समझाते हैं बादल आए रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा बरसाए, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़कर दिखाओ, अर्थात उनकी गद्दी के लायक बनकर दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर तुम देते हो तो तुम अपना भाग्य बनाते हो, लेकिन कभी मन में ये न आए कि मैं करता हूँ व करती हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो तुम कुछ भी ना दो तो मैं तो तुमको देने से छूट जाऊँगा, अगर हम देते हैं तो अपने लिए जमा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला एक के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है,
एक बाप के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। दूसरा, बाप समान मुरलीधर बनना है, मैंने अच्छी मुरली चलाई इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है, अर्थात खुद में ज्ञान की धारणा कर दूसरों को बाबा का परिचय देना है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, बाप को सामने रख, ईर्षा रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। बाप को सामने रख, ईर्षा रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्षा उत्पन्न होती है। ईर्षा के कारण संस्कारों का टकराव होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ तो ईर्षा रूपी माया भाग जाएंगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो, अर्थात बाबा को दे दो, ईर्षावश नहीं। आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज बाबा ने ईर्षा से सहज मुक्त होने की विधि बताई कि अगर कोई भी हम शरीर के अंदर कोई विशेषता है तो उस समय बुद्धि में यह लाओ कि उनको विशेषता देने वाला कौन है? बाप है। और अगर कोई मन में और दूसरी बात आती है तो ऊपर बाबा को दे दो, तो ईर्षा समाप्त हो जाएंगी। और रेस जरूर करो, लेकिन रेस नहीं करनी है। आज का स्लोगन है, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। मम्मा की क्लास का विषय है, अपना असली लक्ष्य क्या है। मम्मा कहे, पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। मम्मा कहते हैं, हमारा असली लक्ष्य क्या है कि मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई, अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेंगी, क्योंकि परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करना जरूरी है। अगर कोई दूसरे स्वरूप में बैठेंगे तो परमात्मा पिता से वो शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए मूल पहली बात है अपने को आत्मा समझना, और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल पूरा ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो, भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रलब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग और अपनी प्रलब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखरीन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाई पवित्र आत्मा बनना है, बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। मम्मा की क्लास का दूसरा विषय है, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, अर्थात रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई इस ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिए, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वह सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है।
इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज हैं। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जाड़ पैदा होता है। इससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। मम्मा ने कितना क्लियर स्पष्ट किया कि आत्मा पवित्र सतोप्रधान कैसे बनती है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी है? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो, मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मम्मा कहे, मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए, तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते, आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब ही विकर्म भस्म होंगे। अच्छा, ओम शांति।